फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण पुरस्कारों का हमारा तीसरा वीडियो है। बाकी के दो वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं अथवा आई बटन में दिया गया है उस वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल शुरू करते हैं, जिसमें है कि 14 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 के लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की घोषणा पेनांग जो कि मलेशिया में है की गई। इस पुरस्कार हेतु कितने भारतीय विरासत स्थल चयनित किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जिसकी घोषणा मलेशिया के पेनांग में की गई है और किसके लिए की गई है, तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, माने हमारे यहाँ जो मॉन्यूमेंट हैं, जो विरासत स्थल हैं, उसके संरक्षण के लिए की गई है। तो यहाँ पर मेन सवाल है कि कितने भारतीय विरासत स्थल यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो टोटल 4 हैं जो चयनित किए गए हैं। अब इनके नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, नाम ध्यान से देखिए। पहला है विक्रम साराभाई लाइब्रेरी जो कि IIM अहमदाबाद में है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि अहमदाबाद में है। दूसरा है केनेसेत इलियाहू सिनेगॉग जो कि मुंबई में है। तीसरा आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, ये भी मुंबई में है। और चौथा भी मुंबई में है जिसका नाम है फ्लोरा फाउंटेन। यानी कि आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो गुजरात राज्य में है, 2 जो है एक गुजरात राज्य में है, बाकी 3 जो है वो मुंबई में है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और पुरस्कार का नाम क्या है फिर से देख लीजिएगा, इसका नाम है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिय दर्शन जो कि प्रसिद्ध निर्देशक एवं निर्माता भी हैं। 11 अक्टूबर 2019 को 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा 31वां ये संस्करण है, 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, हालांकि इनको अब प्राप्त भी हो चुका है। इनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट जो कि प्रसिद्ध पर्यावरण विद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और देखिए एक नाम और ध्यान रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उनका क्या नाम है, ग्रेटा थुनबर्ग जो कि ब्रिटेन से हैं। तो ये दो नाम महत्वपूर्ण है, कभी कभी देश का मिलान करने के लिए दे सकते हैं। मान लीजिए एक तरफ उन्होंने दे दिया ग्रेटा थुनबर्ग, दूसरी तरफ मिलान करने के लिए दे दिया इंग्लैंड, और इसी प्रकार से चंडी प्रसाद भट्ट का नाम दे दिया गया और उनका नाम जो है इंडिया से मिलान करने के लिए दे दिया गया। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला है कि अक्टूबर 2019 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसका नाम होगा, इनका उत्तर हो जाएगा रमेश पांडे जो कि भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अब देखिए वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं तो समझ सकते हैं कि पर्यावरण में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला भी है। और अगला देखिए वही नाम आ गया जिसकी नाम मैं अभी थोड़ी देर पहले ले रहा था, ग्रेटा थुनबर्ग का, तो उन्हीं से जुड़ा सवाल है। 4 अक्टूबर 2019 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर संयुक्त रूप से दो नाम हैं, एक का नाम जो है ग्रेटा थुनबर्ग है और दूसरे का नाम क्या है, डेविना मलोम। तो दो नाम है, दोनों लोगों को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है दिया जाता है किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा। और किड्स राइट्स फाउंडेशन एक जो है बाल क्षेत्र में जो है, या यूँ कहे कि बाल श्रमिकों के क्षेत्र में या बाल शांति व्यवस्था स्थापन के क्षेत्र में एक संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मोटे तौर पर इतना ध्यान रखिएगा कि किड्स राइट फाउंडेशन बालकों के लिए, बच्चों के लिए जो है कार्य करने वाली ये संस्था है। अगला है कि वर्ष 2019 का, देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अली अहमद जो है, अभी अहमद अली, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी बार जो है मैगजीन में देखा गया है, हालांकि कहीं पूछा नहीं गया है लेकिन शायद पूछ लिया जाए। वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है अबी अहमद अली। दरअसल इन्होंने, इनकी देश की जो सीमा है वो इरिट्रिया से मिलती है, तो इरिट्रिया के साथ में जो सीमा विवाद है उसको लेकर के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है शांति समझौता किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार प्रदान को प्राप्त हुआ है। अगला है कि 14 अक्टूबर 2019 को बुकर प्राइज 2019 के लिए किन दो विजेताओं की घोषणा की गई है। तो बुकर प्राइज 2019 के लिए दो नाम हैं, जिनमें से एक का नाम है मार्गरेट एटवुड, इनकी रचना है द टेस्टामेंट, ठीक है, और दूसरे का नाम है बोर्नार्डाइन एवारिस्टो जिनकी रचना है गर्ल वूमेन अदर। तो ये दो नाम और दो रचनाएँ याद रखना है, मिलान करने के लिए आ सकता है। या मान लीजिए दो नाम यहाँ पर दे रहे हैं जैसे, मान लीजिए और मान लीजिए वहाँ पर आ जाए कि निम्नलिखित में से बुकर प्राप्त पुरस्कारों में से कौन नहीं शामिल है, ठीक है, तो ऐसा नाम अगर आपको ध्यान रहेगा तभी आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे, हालांकि बहुत कठिन सवाल हो जाते हैं इस तरीके के।
14 अक्टूबर 2019 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो 2014 का अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल क्रेमर को ये अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। 2 अक्टूबर 2019 को UNHRC द्वारा वर्ष 2019 का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अजीज बेग नाम ध्यान दीजिएगा, अजीज बेग असुरो को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वह किस देश से संबंधित हैं? तो अजीज बेग असुरो जो है ये किर्गिस्तान से संबंधित हैं, और किर्गिस्तान जानते होंगे कि ये सेंट्रल एशिया का जो है कंट्री है। अगला है, देखिए मध्य एशिया में बहुत सारे ऐसे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे बहुत देश हैं। अगला है कि 25 सितंबर 2019 को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक के सहायक प्रोफेसर एडम हार्पर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2019 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। प्राप्तकर्ता कौन है? असिस्टेंट प्रोफेसर एडम हार्पर, और पुरस्कार का नाम है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। अगला सवाल क्या है? और अगला सवाल है कि 27 सितंबर 2019 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको आप CSIR भी कहते हो, इसके द्वारा यानी कि CSIR के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये देखिए यूपी कमीशन का बहुत ही फेवरेट सवाल है, और इसको तो इस तरीके से नहीं पूछा जाता, लेकिन इस तरीके से जरूर पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और अगला सवाल देखते हैं क्या है कि 25 सितंबर 2019 को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध राइट लाइवलीहुड अवार्ड हाल ही में किस जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है ग्रेटा थुनबर्ग को, जो कि स्वीडन से हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमसे हुई है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्रेटा थुनबर्ग इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, वो इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करती हैं, वो स्वीडन से बिलोंग करती हैं, जो कि यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ पर एक सवाल ये बन सकता है कि अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है ये निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो अगर मान लीजिए विकल्प में ये दे रखा है कि इसको जो है नोबेल के नाम से जाना जाता है, वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर वैकल्पिक नोबेल को टिक करना है, ध्यान में रखिएगा। अगला है कि 24 सितंबर 2019 को किसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 सितंबर 2019 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, तो मेरे ख्याल से इनका नाम बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते भी होंगे। अगला है कि 19 सितंबर 2019 को खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया, इसमें किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सोहिनी गांगुली को। देखिए यहाँ पर 2018 का मेंशन जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसको लेकर के डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि अब ट्रेंड ये जरूर देखा गया है और आगे की परीक्षाओं में भी देखा जाएगा कि पीछे पीछे करीब जो है वो एक साल डेढ़ साल तक के जो है पुराने करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर इसलिए जो है जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला है कि 21 सितंबर 2019 को किस फिल्म को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में, किस श्रेणी में? अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया था, लेकिन वह अंतिम सूची में स्थान बनाने में असफल रही। तो यानी कि अगर अंतिम सूची में ये मूवी जो है, ये फिल्म अगर स्थान बना लेती, तो उसको ऑस्कर अवार्ड जो है 92वां ऑस्कर अवार्ड जो है 2020 में उसको शामिल किया गया होता। इस मूवी का नाम है गली बॉय। अगला सवाल देखते हैं कि 20 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया, तो पटना की डॉक्टर उषा किरण खान को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 16 सितंबर 2019 को एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिष्ठित एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ये संस्था का नाम जरूर पूछा जाता है एमनेस्टी का, तो इसका अवार्ड है एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए फिर नाम आ गया ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि स्वीडन की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती हैं, और एक अभियान है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, तो इनको प्रदान किया गया है। अगला है कि 18 सितंबर 2019 को 20वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मुंबई में हुआ, देखिए ये मुंबई में पहली बार हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए यही पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुआ, तो ये मुंबई में हुआ है।
में पहली बार हुआ। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फिल्म का नाम है राजी, जिसके निर्देशक हैं मेघना गुलजार। और नेक्स्ट है कि 9 से 10 अगस्त 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 14वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहल नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और उसके बाद में देखिए ये सवाल जो रेमन मैग्सेसे है 2019 का, ये तो रवीश कुमार को प्राप्त हुआ था, मेरे ख्याल से ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं कि जुलाई 2019 में यूके की संसद, जिसका नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, में किसे प्रतिष्ठित वुमेन इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिया प्रियदर्शनी जैन। और थोड़ा यहाँ पर ये समझ लीजिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएँ, जैसे अपने यहाँ संसद है और संसद के दो पार्ट हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, तो दो सदन है, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे जो है ब्रिटिश संसद की भी दो सदन हैं, एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं इसका कि 11 जुलाई 2019 में किसे गांधी मंडेला पीस मेडल से सम्मानित किया गया? तो वियतनामी बौद्ध भिक्षु हैं, शांति कार्यकर्ता भी हैं। इसका उत्तर हो जाएगा थिक न्यात हान, जो कि वियतनाम से संबंध रखने वाले हैं। पुरस्कार का नाम दोबारा देख लीजिएगा, क्या नाम है? गांधी मंडेला पीस मेडल। और नेक्स्ट है कि 2 से 7 जुलाई 2019 के मध्य श्रीलंका की कोलंबो में आयोजित 9वें सार्क फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इस फिल्म का नाम है नगर कीर्तन, जो कि बांग्ला भाषा की फिल्म है। 15 जून 2019 को किसने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब राजस्थान की सुमन राव ने हासिल किया है। जून 2019 में किसे पुणे स्थित हृदय मित्र फाउंडेशन द्वारा सेव वाटर हीरो अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है मकरंद टिल्लू को। 14 से 25 मई 2019 के मध्य फ्रांस के कांस शहर में आयोजित, देखिए फ्रांस जो है कांस, ठीक है, तो यहाँ पे कांस शहर का नाम ध्यान रखना, ये फ्रांस में है, मिलान करने के लिए जरूर आ सकता है, में आयोजित 72वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो फिल्म का नाम है पैरासाइट, जो कि दक्षिण कोरियाई फिल्म है, यहाँ पर देख सकते हैं, और निर्देशक का नाम है बांग जून हो। हालांकि निर्देशक का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पैरासाइट का नाम जरूर पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड जो सवाल है। 25 मई 2019 को किसे अंतर्राष्ट्रीय डायल्सन थॉमस पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो ब्रिटिश श्रीलंकाई मानवाधिकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, इनका नाम क्या है? गाई गुणारत्ने इनका नाम है। 12 जून 2019 को किसे पहले जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, इसका उत्तर हो जाएगा अभी। और नेक्स्ट है कि 20वें आईफा अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रणवीर सिंह हैं, फिल्म का नाम है पद्मावत, और आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, फिल्म का नाम है राजी। सांस्कृतिक संगठन जिसका नाम एशिया सोसाइटी है, तो इस एशिया सोसाइटी द्वारा वर्ष 2019 के एशिया सोसाइटी गेम चेंजर पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार हेतु किस भारतीय महिला को चुना गया है? तो चुना गया है छाया शर्मा को, और छाया शर्मा निर्भया सामूहिक दुष्कर्म जो हुआ था उस मामले की जो है वो जांच ऑफिसर थी, तो उस मामले की जाँच करने वाली जो है अधिकारी थी, नाम है छाया शर्मा। अगला है कि 11 सितंबर 2019 को किसे वर्ष 2019-20 के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा उषा खन्ना। 7 सितंबर 2019 को किसे 40वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदीप दास, जो कि उड़िया भाषा के लेखक हैं। 20 अगस्त 2019 को किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से चयनित किया गया, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए उनका चयन हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बजरंग पुनिया, जो कि रेसलिंग से संबंधित हैं, देखिए खिलाड़ियों के नाम और उनके जो है खेल का जो क्षेत्र होता है ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है। मान लीजिए दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले बजरंग पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं, या खेल के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेसलिंग। और अगला है दीपा मलिक, जो कि पैरा एथलीट हैं। अगला है कि 15 अगस्त 2019 को तमिलनाडु सरकार द्वारा किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवान। 14 अगस्त 2019 को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीरता के किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा वीर चक्र। अगस्त 2019 में वर्ष 2019 के वीरता पुरस्कार पाने वाले
में शामिल एकमात्र महिला कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल, जो कि स्क्वाड्रन लीडर है।